Hello, namaste, vanakkam, hola, marhaba, assalam alaikum. This is your Manchuri from Arabia. क्या सोच रहे हो, क्या कोई सेल वेल लगा के रखाऊंगे? ऐसा कुछ नहीं है जी. आपको पता होगा लास्ट वीडियो में मैंने कुछ रेजोल्यूशंस बनाए थे, उसमें मैंने कहा था कि साफ सफाई है, तो साफ सफाई करते हुए ये सारे कैप्स मुझे मिल गया. तो सोचा कि क्या करें, क्या बना दिया और क्या करेंगे. बाकी सब बढ़िया है. हेलो नमस्ते वनकम वाला मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर सलीम खान, वेलकम टू माय YouTube चैनल नमस्ते व्लॉग्स. सो गाइस, मुद्दे की बात करने से पहले अगर आपको इसके जैसी हॉट गर्लफ्रेंड पालनी हो तो इनके नखरे भी उठाने पड़ते हैं यार. क्या बहुत नखरे हैं, बहुत नखरे हैं. इनको वक्त वक्त पे वक्त दो. अगर वक्त नहीं दोगे तो ये आपका वक्त ले लेगी, और वक्त के साथ साथ आपका मिनिमम 10,000 के ऊपर ले लेगी. तो इनका है सीन, हर 2-3 दिन में चलाना पड़ता है. नहीं चलाएंगे तो नाराज़ हो जाती है. इनको रखना, इनको पालना इतना ईजी नहीं है. मेन रीज़न जो था राइड पे जाने का वो ये था कि ये जो सेटअप है इसको चेक करना था कि एंगल प्रॉपर है कि नहीं. ये एंगल, मतलब ये जो सेटअप है मेरा, ये सेटअप ड्यूक 390 के लिए परफेक्ट है, लेकिन R1 के लिए ये ठीक नहीं है. क्योंकि मैंने अभी फुटेज चेक किया है, चेक करने का पता चला कि इसका एंगल जो है थोड़ा नीचे है, तो इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. मैंने यहाँ पर MCL लगा के इसको फिक्स किया हुआ है. अभी लास्ट टाइम जब मैं इसको MCL लगाया था तब मुझे शूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि फटाफट मुझे करना था और फटाफट ब्लॉग डालना था. लेकिन अब हमारे पास डेमो दिखाने के लिए एक और हेलमेट है. जी हाँ, मेरा पुराना हेलमेट. पुरानी हेलमेट की बात करने से पहले पुरानी जगह, ये नया सेटअप है ना. पुरानी जगह. ऑलराइट, सो ये है हमारा पुराना हेलमेट. इसमें बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और मेमोरेबल हेलमेट है. इसने हमें प्रोटेक्ट किया, अभी तक कभी गिरा तो नहीं. लेकिन IBW से जब हम वापस आ रहे थे तब आते आते ये हेलमेट गिरा और यहाँ से ये माउंट निकल गया. वैसे भी माउंट जो है कैसे लगाया था मैं आपको बता दूँ, पुराना सेटअप कैसा था बताते हैं. तो ये जो है आप देख सकते हो, इसमें ये एक्स्ट्रा टेप लगा हुआ है. टेप किधर गया? तैयारी के साथ क्यों नहीं बढ़िया बनाता तू? कोई तैयारी नहीं है. ऑलराइट, सो इधर आ बाबा, तू पहले इधर आ, इधर पे गोदी में. ओके, ये 3M टेप है ये. इसमें ये डायरेक्टली माउंट GoPro का ही है. ये लग जाता है ऐसे, बट हेलमेट चिपक गया. हेलमेट कर्व होने की वजह से ये जो साइड साइड के इसके कोने हैं वो चिपकते नहीं है. इसके लिए ये नॉर्मल सा टेप है, डबल साइडेड टेप है ये. इतना इसमें पावर नहीं है. साइड साइड की जगह फिलअप करने के लिए मैंने ये यूज़ किया और ऐसे चिपका दिया. ओके, अब इस पर अगर हम सिर्फ जे हुक के साथ लगाएंगे तो एंगल प्रॉपर नहीं आता है. आओ आओ सब लोग यहाँ पर आओ, सब इधर आओ. ये प्रॉपर जे हुक है, मेरे पास सिर्फ एक ही जे हुक बचा है, वो भी टूट गया ये. तो मैं इसको निकाल के बताता हूँ कि कैसा मेरा पुराना सेटअप था. टूटा हुआ है नया सेटअप, आपने देखा. पुराना सेटअप दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको मेरा हसल और क्यों मैंने MCL यूज किया उसका रीजन पता नहीं चलेगा. तो पता चलना जरूरी है. ये हमार पुराना सेटअप था, ये ऐसे, ठीक है. इसके ऊपर GoPro लगता था. अब नया वाला सेटअप में आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा MCL लगाया इसको लेवल पे लाने के लिए. ओके, थोड़ा सा यहाँ पर MCL लगा के इसको फिट कर सकता था, लेकिन इसको बेस देना जरूरी है, क्योंकि बेस देने से एक जे हुक में काम हो जाता है. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बेबी को बेस भी पसंद है, तो बेस जरूरी था. तो इस पर हमने MCL का बेस बनाया ताकि ये सिर्फ जे हुक पे ऑटोमेटिकली ऐसे बैठ जाए और प्रॉपर एंगल दे. तो ये वाले सेटअप में सिर्फ एक जे हुक
और एक स्क्रू, दैट्स इट। और पुराने वाले सेटअप में जे हुक प्लस दो क्लिप, तीन स्क्रू। हमारे पास डेमो के लिए ये हेलमेट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस पे एमसील लगा सकते हैं। अब एमसील इस पे क्यों? बहुत सारे हेलमेट ऐसे होते हैं जिनका सामने का जो पोर्शन होता है, जो चिन्ह होता है, ठीक है, इसमें जैसे फ्लैट है। अब एरो का मैंने हेलमेट इसलिए लिया क्योंकि एरो के उसका जो चिन्ह है यहाँ पर वो थोड़ा फ्लैट मिला, बाकी AGV का थोड़ा पॉइंटेड है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हेलमेट चाहे कोई भी हो, अगर आपके पास एमसील आप लगा रहे हो तो वो प्रॉपर वहाँ पर फिट हो जाएगा। लेकिन एमसील के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो कि हम इसको लगाने के बाद, इसको फिक्स करने के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। और सच में बीबी को बेस पसंद है। ओके, तो ये है माउंट, ये है हमारा हेलमेट, और ये है एमसील बावा, और ये सुपरमैन। तो आइए शुरू किया जाए। ये जो एमसील है इसको ऑलरेडी हमने नए वाले हेलमेट पे यूज कर लिया है, इसमें थोड़ा बचा हुआ है। हम गए थे हार्डवेयर की दुकान पे, उनको बोला कि एमसील दो, उसने बोला कि ये है एमसील बॉन्ड टेस्ट फास्ट सेटिंग। मैंने बोला ये एमसील नहीं है, तो उसने कहा कि भाई ये एमसील का कजन ब्रदर है, मतलब ये भी वही काम करता है, इसके अंदर भी वही सारी चीजें मिलेंगी। हाँ, इसके अंदर भी वही दो चीज है, और इसको निकालेंगे तो भी इसमें दो चीज है। तो ये है कालू भाई, और कालू भाई के साथ है मिस्टर ग्रे, ऑल द वे फ्रॉम हॉलीवुड। सबसे पहले इसको निकाल देता क्योंकि एक बार मेरा हाथ गंदा हो गया था, फिर इसको निकाल नहीं पाऊंगा। तो इसको, ये ऑलरेडी मेरा पुराना वाला सेटअप का है, अब ये इसका टेप कुछ काम का नहीं है, तो इसको अब ये निकाल दिया जाए। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चैलेंज टू MSK। हाथ दुखा दिया। तो ये माउंट जो है ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमको ये दो भाइयों को मिलाना है। चिपचिपा है काफी कालू भाई, ये है मिस्टर ग्रे। कालू ज्यादा है, कालू को कम किया जाए, कालू कम हो गया। ये थोड़ा नरम है, ये थोड़ा कड़क है। बचपन में हम ऐसे चिकनी मिट्टी मिलाया करते थे और चिकनी मिट्टी के हम खिलौने बनाते थे, शेर, चीता। हर व्लॉग में चीता आना जरूरी है। गुड़िया बनाते थे, ऐसे हम खेला करते थे। लेकिन आज देखो बड़े हो गए फिर भी खेल रहे हैं। अच्छे से इसको मिलाना है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा एमसील वाले कहते हैं। ये मिल गया है, थोड़ा चिपचिपा हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। अगर बेस नहीं बना तो फिर बेस के लिए हमको और थोड़ा मिलाना पड़ेगा। चूंकि बेबी को बेस पसंद है इसलिए बेस जरूरी है। आप लगा सकते हो। इसमें मुझे और एमसील लगाना पड़ेगा क्योंकि एमसील अभी कम पड़ गया, ये देख सकते हो आप। तो इस तरह से कुछ लगता है। और एक चीज, एमसील लगाते वक्त आप अपना वाइजर निकाल दें, अदरवाइज स्क्रैचेस लगने के चांसेस हैं। क्या है कि जो पुराना वाला हेलमेट है ना, उसको अभी हम सूखने के लिए रखे, तो सूख जाएगा, तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में देख लेना कैसा सेटअप तैयार हुआ है। फिलहाल के लिए सेटअप कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो आपका माउंट है, अगर ये स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट बैठेगा, अगर ये नीचे हो जाएगा, अगर इसमें बेस नहीं दोगे, जैसे मैंने पहले कहा था बेस पसंद, तो ये नीचे हो जाएगा, फिर ये माउंट और नीचे हो जाएगा। तो कैमरे का एंगल मोटोव्लॉगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। हाँ जी, तो कुछ ऐसा हो जाता है सेटअप मोटोव्लॉगिंग का। सामने से ऐसा दिखता है, लेफ्ट साइड से ऐसा दिखता है, राइट साइड से ऐसा दिखता है। जहां तक मैंने सीखा है इंडिया के मोटोव्लॉगर से और बाहर के मोटोव्लॉगर से, कि आपका जो कैमरे का एंगल है, जो आपका व्यू है, उसमें से 40% आपकी बाइक दिखनी चाहिए और 60% व्यू दिखना चाहिए। तो एंगल इंपॉर्टेंट है मोटोव्लॉगिंग करते हुए। और मोटोव्लॉगिंग का मकसद मेरे हिसाब से, बाकी का मुझे नहीं पता, मकसद ये होता है कि जो बंदा मोटोव्लॉग देख रहा है उसको फील होना चाहिए कि वो बाइक चला रहा है। तो उस हिसाब से 40:60 का रेशो रखा गया है, आई थिंक ऐसा कुछ है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, कोई मुझे बताए नहीं, दिस इज माई एक्सपीरियंस ओनली। ऐसा लगता है इसलिए बोल दिया। तो इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये कि ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, फिर इसको आपको तोड़ के निकालना पड़ेगा। तोड़ के निकालने में शायद इसका पेंट जा सकता है, पता नहीं, अब तोड़ूंगा तो पता चलेगा कि क्या डिसएडवांटेज है। जैसे मेरा ब्लैक रेड व्हाइट है, तो ये ब्लैक कलर से
पता नहीं चल रहा है क्या चेंजेस किया है, लेकिन अगर आपका हेलमेट रंग बिरंगी है, फ्लोरोसेंट कलर है, तो आप ये जो एमसील का पार्ट है इसको कलर कर सकते हो। एडवांटेज ये कि आपको ज्यादा क्लिप और स्क्रू में खेलना नहीं पड़ेगा, बस एक लगा दो और एक जे माउंट के साथ आपका काम इजीली हो जाएगा। बट अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है जैसे मेरे पास, तो एक छोटी सी दिक्कत हो रही है कि वो थोड़ा सा एंगल झुक रहा है, उसका भी कुछ ना कुछ इलाज करेंगे और जो इलाज मैं करूंगा आपको बता दूंगा। हमारे नासिक के एक मोटोव्लॉगर है इमरान भाई, उन्होंने क्या किया है, उनके पास AGV हेलमेट है। AGV हेलमेट में क्या होता है कि वो जो उसका चिन है बहुत पॉइंटेड होता है, उस पर वो MC लगा के भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3M टेप जो है वो 3M टेप उन्होंने 1, 2, 3 ऐसा लेयर बनाया, मतलब इधर से लेयर फिर उन्होंने चिपकाया। तो वैसा भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको हेलमेट खराब नहीं करना है तो फिर क्या 3M टेप तो निकल जाता है, तो वो एक जुगाड़ है। अपना तो यही है धर्म कर्म सब, तो हमें तो यही फिक्स ही कर दिया, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, अपना एकदम अपना सेटल कर दिया अपना चीज़, अपने कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपको टिप्स थे, तो ये मेरे टिप्स भी नहीं, मैंने भी किसी और मोटो ब्लॉगर को देखा, मैंने देखा बफ मोटो को और सौरभ को, तो उन लोग MCL से काम चला रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हमने भी MCL ले लिया कि MCL माय बाप लगाओ और अपना जिंदगी गुजारो। और भी बहुत सारे तरीके होंगे हेलमेट पे माउंट रखने के, तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो हमेशा की तरह, अगर ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, आई विल सी यू। नहीं भाई, इसको आज हम हिंदी में बोलेंगे, शुक्रिया मुझे आपका दिन बनाने के लिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। ये तो मैं नहीं बोलता हूँ, फटाफट इंग्लिश में बोल देता हूँ, मैं बोलता क्यों। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। बाय बाय को क्या बोलेंगे, चलो इतना टाइम नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम, ये दूसरा बूम था 2018 का। Thank you for making me a part of your day. I'll see you soon in the next vlog. आज मैं हिंदी में बोलता हूँ। शुक्रिया मुझे आपका दिन बनाने के लिए। बराबर तो बोल रहा हूँ ना? अरे यार तू रुक क्यों जाता, जो आता बोल दे यार। सलीम तू भूल गया सब यार, तू भूल गया है व्लॉगिंग भाई, कंटिन्यूसली व्लॉग को और गैप मत दे।